तो भाई लोग कैसे हो। तो यार स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पबजी लाइट वॉरियर्स में। और यार मैं लेके आ गया हूँ एक हद से ज़्यादा इंटेंस सीन से भरा ये गेम प्ले। और यार अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसा इंटेंस सीन, तो यार वो सब आपको अभी आगे देखने को मिलेगा, पर फिलहाल के लिए ओल्ड बेसिन आ चुके हैं। और यार ये गेम पूरा होने वाला है सोलो वी स्क्वाड। आपको भले ही ये स्क्वाड दिख रहा है ना, आपको अभी समझ आ जाएगा क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ। जब तक मैं गन वन उठाता हूँ तब तक मेरे पूरे टीममेट्स की पेटी तैयार हो जाती है। तो यार ये इस वजह से ही ये सोलो वी स्क्वाड एक गेम हो गया है। अब यार यहाँ पे मुझे लालच रहती है कि मैं अपने एक टीममेट को बचाई लूँगा, इसलिए मैं बिना वेस्ट हेलमेट वगैरह खोजे तुरंत पहुँच जाता हूँ उस बंदों को मारने, ताकि मैं अपने टीममेट को बचा लो सकूँ। लेकिन यार पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि मैं इतनी जल्दी गया, अभी उसके बाद भी मैं अपने टीममेट्स को बचा नहीं पाया। अब यार यहाँ पे अब 1v4 होने वाला है, तब देखते हैं मैं क्लच कर पाता हूँ या फिर मेरी पेटी बनने वाली है। तो यहाँ पे एक बंदे को यार किसी तरह निपटा दिया है, अब किसी ने उसके टीममेट ने उसको कवर फायर दिया है राइट साइड से। तो यार वो भी अब पुश करेगा ही, सीधी सी बात है, वो तीन बचे हैं तो भाई पुश तो करेंगे ही। अब यहाँ पे यार वो भाई यार ये बंदा मुझे लगभग ले ही चुका था, लेकिन यार किसी तरह बच ही गया मैं। अब यार यहाँ पे मैं फुटस्टेप सुन चुका था, मुझे समझ आ गया था एक बंदा उनके अंदर आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए उसको फिर इस वाले को ही मैंने नॉक कर दिया। मैं समझ गया था वो अंदर आके रिवाइव कर रहा है, क्योंकि मैंने फुटस्टेप उसका देख लिया था। तो ये एक बंदे को तो मैंने पूरा ही ख़त्म कर दिया, लेकिन फिर भी अभी भी वो तीन पूरे बचे ही हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यार यहाँ पर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ, मैं सोचता हूँ अब सामने से जाएँगे तो भाई मेरी पेटी बन जाएगी। तो यहाँ ऊपर से मैं फ्लैंक मार के नीचे कूदता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिएगा यार, अब यहाँ पे देखिए आप लोग क्या ही बंद दोनों को मारते हैं। यहाँ पर ये देखिए इनका दूसरा टीम। अब यार इस बंदे के पास एमओ ही नहीं रहता, इसलिए ये यार मुट्ठी बाजी करने आता है। तो यार सोचता है इसे मैं मुक्के से उड़ा दूँगा, पर ऐसा कैसे हो सकता है भाई। तो यार यहाँ पर मैंने पूरी स्क्वाड को अकेले मार दिया, वो भी बिना वेस्ट और हेलमेट के। हाँ हेलमेट तो साफ दिख रहा है कि हेलमेट तो है नहीं, वेस्ट भी नहीं था। तो यहाँ पर यार सीधे सीधे पूरी चार के चार बंदों को मैंने अकेले ही मार दिया। तो यार इस बात के लिए लाइक एंड शेयर तो बनता है। और यार अभी यहाँ उतरे 2 मिनट भी नहीं हुआ, और उतरते ही एक स्क्वाड मार दिया, एक बॉट मार दिया और 5 किल कर लिया। और यार अभी यहाँ पे ढंग की लूट भी मैं नहीं कर पाया था, कि तब तक एक और स्क्वाड यहाँ ओल्ड बेसिन में ना जाने कहाँ से आ गई थी यार। अब उस स्क्वाड को भी यही जगह मिली थी यार इधर अपने पे। अभी ढंग की लूट भी नहीं हुई, हेलमेट तक नहीं मिला है, लेकिन फिर भी यार एक स्क्वाड आ जाती है। और यार मेरे पास हेल्थ तक नहीं है, हीलिंग के नाम पे कुछ नहीं है। तो यार अब आधा हेल्थ भी नहीं है मेरे पास यार, 40% हेल्थ है। तो देखिए कैसे इस स्क्वाड को मार पाते हैं या नहीं। तो यहाँ पर एक बंदे को मैंने पूरा डैमेज दिया, तो बिल्कुल यार पुश तो करेंगे यार, क्योंकि यार डैमेज दिया तो नॉक तो बनता ही है। तो यहाँ पर जाते हैं इधर से फ्लैंक थोड़ा सा मार कर। अब यार यहाँ पे मैं पूरे जोश में रहता हूँ, और यार यहाँ पे ओ गॉड यार इस बंदे को नॉक तो कर दिया, पर यार यहाँ पे मैं जोश में बेहोशी खोने वाला था। वो शॉटगन लेके बैठा था, अगर गलती से भी छू जाती वो मेरे को, छू के निकल जाती तो भी मेरी पेटी तय थी। पर यार बच गए। अब एक बंदा और आ रहा है, इनका फुटस्टेप तो साफ साफ दिख रहा है, दो हैं फिलहाल, लेकिन एक का तो साफ पास में दिख रहा है। तो ये समझ गया था कि मैं अंदर गया है रिवाइव लगाने। यार इसको ध्यान भी नहीं रहता है कि इसके पीछे से मैं इसको मार रहा हूँ, और यार इसको भी लगा दिया नॉक। और इसको तो भाई पूरा फिनिश करेंगे यार, काफ़ी होशियारी कर रहा था। अब इनका लास्ट बंदा यार ये तो पूरा मुंह पे आ जाता है, दौड़ जाता है। तो यार देखते हैं इसको मार पाते हैं, क्योंकि यार हेल्थ तो अपनी वैसे भी बहुत लो है। तो वो बंदा पुश तो करेगा ही, अब उसका टीममेट बता ही रहा होगा मेरे सामने खड़ा है। तो देखते हैं भाई वो क्या करता है। और यार इस बंदे को भी उड़ा दिया, और यार इसी के साथ ये स्क्वाड के तीन बंदे भी ख़त्म कर दिए। और यार ये तीन ही आए रहते हैं, तो यार यहाँ पे इन तीनों को ले लिया यार। तो यार इस बात पे भी लाइक एंड शेयर बनता है यार, क्योंकि यार इतने कम हेल्थ पे और बिना अच्छी खासी लूट के, हेलमेट भी नहीं था अभी, उस पर यार 2 स्क्वाड पूरी पूरी ख़त्म कर दी। तो यार लाइक शेयर तो बनता ही है। अब यार लूट कर लें थोड़ा सा, क्योंकि यार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लूट, क्योंकि यार लूट ही नहीं रहेगा तो फिर बंदे कैसे मारेंगे अपने पे। तो यार पहले तो सबसे जरूरी लूट, पेट भर के लूटेंगे पहले आराम से, उसके बाद फिर आगे बंदों पर पुश करेंगे। और यार अब यहाँ पे जोन भी आ गया है, तो यार जोन का चक्कर मौत से टक्कर, तो इसलिए सबसे पहले जोन में तो जाना सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले जोन में जाएंगे और सीधा बंदे के पास ही जाएंगे भाई, और कहीं नहीं जाएंगे। तो देख लेते हैं यार,
लेकिन यार थोड़ी होशियारी से खेलनी पड़ेगी अपने को, क्योंकि चिकन भी चाहिए। और तो और फिर अभी तो मैं सोलो भी स्क्वाड ही एक तरह से खेल रहा हूँ, एक तरह से क्या पूरी तरह से खेल रहा हूँ सोलो भी स्क्वाड ही। तो अभी निकल लेते हैं फ़िलहाल जोन को देख कर किधर बनता है जोन। अब यार यहाँ से एक बंदा यार स्प्रे देता है यार और डैमेज देने की कोशिश करता है यार। रुकने का तो बहुत मन था लेकिन क्या बताएं यार, रेड जोन की वजह से रुक नहीं पाए यार, क्योंकि रेड जोन था। तो वैसे भी रेड जोन में रुकने का कोई फ़ायदा ही नहीं, कहीं गिर विर गया तो भाई झूठ में पेटी तैयार। अब यार यहाँ पर इस बंदे को जो मारा वो देखिए बस आप, अभी आप बस देखिए ये स्प्रे। यहाँ पे तैयारी में था, सीधे पुश करता तो मुझे ही मार देता, और वो जैसे ही पुश किया भाई पेटी तैयार कर दी। और ये मुझे लगता है कि जो ओल्ड बेसिन में तीन बंदे आए थे उनका ये आखिरी बंदा था, जबकि वो जब वो वहाँ आ गए थे और ये बंदा ड्रॉप लेने चला गया था और AWM ड्रॉप से लिया रहता है। तो यार इसकी AWM भी उठाएँगे और स्नाइपिंग भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पहले तो हीलिंग कर लेते क्योंकि यार ये जगह जोन में है और हाई ग्राउंड भी है तो पुश भी हो सकता है मेरे पर। अब यार फिलहाल जोन ने भी अपना मुंह मोड़ लिया है, तो यार सबसे पहले सबसे ज़रूरी तो जोन में ही जाना है, और ऊपर से अभी बस तीन बंदे बचे हुए हैं तो यार चांसेस है कि चिकन डिनर अपना ही हो। कोशिश तो पूरी करेंगे लेकिन फिर भी यार थोड़ा थोड़ा डर तो लग ही रहा है यार। तो यहाँ पर हिम्मत है थोड़ी, AWM भी है, लॉन्ग रेंज की फ़ाइट होगी तो मज़े ही आ जाएंगे यार, दबा के स्नाइपिंग करेंगे। अभी तो पूरी की पूरी AWM की गोलियाँ बची हुई हैं, तो अब देख लेते हैं। यहाँ जोन में आ गए हैं तो थोड़ा सा स्काउट वगैरह कर लेते हैं बंदे किधर हैं। फुटप्रिंट देखता रही और बंदा का जी फुटप्रिंट समझे हम भी ऐसा बता दिया पर लिखड़ की मत देख विलेज का ऐ माना अरे वो शाम वाली मत पीक कर ले बंदा बात ठीक ना रह गया ग्राम पर जोन लेके देखो कोई ग्राम रख खुला बड़ा मौज है तेरे पे बड़ा को बगल ले एम4 थोड़ा ऊपर चले जा चिकन डिनर हो गए। हम यार बंदे तो देखने की बहुत कोशिश किया लेकिन यार बंदे स्पॉट नहीं हो रहे थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा IQ लगाते हैं और इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करके यहाँ से ऊपर से तो अपना थोड़ा व्यू मिलेगा। तो सबसे पहले ऊपर चढ़ जाएंगे इसके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यार यहाँ ये इस जगह से ऊपर आप चढ़ जाएंगे तो आपको भी थोड़ा सा हाई ग्राउंड हाई हो जाएगा और व्यू अच्छा मिलेगा मतलब एक तरह से। तो यहाँ पे अब यहाँ से देखिए व्यू मिलता भी है, और इस बंदे को यार काफ़ी डैमेज दिया था यार, बहुत डैमेज दिया था, लेकिन ये बंदा ढिलता नहीं है एकदम से नॉक तक नहीं होता है यार। तो यार अब इस बंदे को यार डैमेज दिया लेकिन ये कुछ नहीं, इसका कोई थोड़ा भी नहीं हुआ। अब इस बंदे को तो यार नॉक भी लगा देते हैं। अब यार यहाँ पूरा फिनिश करने की तैयारी होती है क्योंकि यार तीनों बंदे सेम टीम के होते हैं, तो यार मेरा सबसे ज़रूरी है कि यार एक एक को कम करते हैं फिनिश करके, लेकिन यार कोई M24 मार देता है तो यार डैमेज हो गया। और यार अब यहाँ पे ये M24 ने काम गड़बड़ कर दिया, तो अब देखते हैं यार जीतते हैं हम ये मैच या फिर हार जाते हैं, क्योंकि तीनों बंदे अंधा धुना पुश करते हैं मेरे ऊपर। एक बंदा अब ये
क्रॉसिंग किया, इसको भी यार डैमेज दिया, लेकिन यार तीन टीममेट्स हैं उसके, तो यार सीधी सी बात है कवर उसको ठीक ठाक मिल रहा है, अपने को तो कुछ नहीं है, बैंडेज ही है बस, अब हीलिंग भी ख़त्म ही हो गया है। और यार जोन भी अपने पे नहीं बना, जोन भी सिर्फ अपने पे बन जाता तो यार चिकन डिनर निकाल तो लिए ही होते हैं यार किसी ना किसी तरह, क्योंकि यार वो जोन से आते हैं उतने में तो उनको रास्ते में ही उनको निपटा दिए थे। अब यार उनका एक टीममेट काफ़ी क्लोज आ जाता है तो मैं उसको डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, और यार पूरा डैमेज दे भी देता हूँ और नॉक भी कर देता है, लेकिन उसका पीछे से टीममेट M24 से उसको कवर दे देता है और मैं नॉक हो जाता हूँ। तो यार गेम प्ले पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और ऐसे और भी इंटेंस गेम प्ले के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।